शिव महापुराण की कथा कहती है, प्रयास करना। कि अपने जीवन में हम किसी के काम आ सके, निंदा में नहीं, बुराई में नहीं, छल में नहीं, कपट में नहीं, प्रपंच में नहीं, हम उसके अच्छे कार्य में उसके साथ आ जाए। जितना भी दान होता है सीधे हाथ से होता है, सही है? जितना अच्छा काम होता है सीधे हाथ से होता है, जितना पुण्य का काम होता है सीधे हाथ से होता है। एक बार इस उल्टे हाथ को बड़ा दुख हुआ कि सब जब सीधे हाथ से करना था तो मुझे पैदा ही काय करता है, जब सारा का सारा काम इस सीधे हाथ से होना है तो इस हाथ का मतलब क्या? इस हाथ ने किसी गुरु जी से जाकर कहा, गुरुदेव सारी दुनिया सीधे हाथ को पूछती है, सीधे हाथ को नमन करती है, सीधे हाथ से काम करवाती है, मैं बड़ा दुखी हूं, मेरा कोई तत्व ही नहीं है, मेरा कोई मोल ही नहीं है, मैं क्या करूं कि मैं भी पूजाने लगूं, मेरा भी उपयोग होने लगे, मुझे भी सत्मार्ग मिल जाए, मुझे क्या करना चाहिए? तो गुरु जी ने एक ही बात कही इस उल्टे हाथ से, कि जब सीधे हाथ कोई चीज दान कर रहा हो तो तू उसको टच कर लेगा। जब तू इस सीधे हाथ को टच कर लेगा, स्पर्श कर लेगा, तो तेरी कीमत अपने आप बढ़ जाएगी। बस हमको भी यही है, हमें बुरा कर्म करने वाले को टच नहीं करना है, हमें अच्छे कर्म करने वाले को टच करना है। कोई सत्कर्म कर रहा हो, कोई दान कर रहा हो, कोई पुण्य कर रहा हो, कोई भजन कर रहा हो, कोई कीर्तन कर रहा हो, कोई मंत्र जाप कर रहा हो, कोई नाम जाप कर रहा हो, कोई भगवान की पूजन कर रहा हो, कोई कथा सत्संग स्मरण कर रहा हो, कोई नर्मदा जी का स्नान कर रहा हो, कोई अच्छे कर्म में लगा हुआ हो, और अच्छे कर्म में लगे हुए व्यक्ति के साथ जब तुम लग जाओगे तो यह पक्का है कि तुम्हारा जीवन भी, अगर कितना भी दुख में चल रहा होगा, कितना भी तकलीफ में चल रहा होगा, कितना भी कष्ट में ये जीवन चल रहा होगा, एक ना एक दिन तुम अगर उसके साथ अच्छे काम में लगे रहे तो तुम्हारा जीवन भी सार्थक हो ही जाएगा। फिर वो जीवन बेकार नहीं, सार्थक होगा। तीन इस राष्ट्र को सजा देते हैं, सती, सन और सूर्य। सती, सन और सूर्य इस राष्ट्र को सजाते हैं, श्रृंगार करते हैं, और तीन इस राष्ट्र को लजा देते हैं, कपटी, कायर और कपूत। इस भारत की भूमि को गौरवान्वित करने वाले, इस भारत की भूमि को आनंद देने वाले, इस राष्ट्र को सजाने वाले, इस राष्ट्र को संवारने वाले, श्रृंगार करने वाले में तीन आते हैं। पहले नंबर पर कौन है, जम के बोलो जरा, सती। दूसरे नंबर पर जम के बोलो जरा, सन। और तीसरे नंबर पर सूर्य। ये राष्ट्र को सजाने वाले हैं, ये भारत की भूमि को सजाने वाले हैं, हम इस पृथ्वी माता को, इस देश को सजाने वाले हैं। और महाराज लजाने वालों में तीन हैं, कपटी, कायर और जम के बोलो जरा, कपूत। ये तीन राष्ट्र को लजा देते हैं। एक कपट करने वाला,
ये भी राष्ट्र को ले जाएगा। एक कायर थोड़ा सा किसी ने कुछ कह दिया, थोड़ा सा कुछ बोल दिया, डर के मारे कमरे में जाकर घर के अंदर बैठ गया। कायर भी ले जाता है राष्ट्र को। कपटी, कायर और कपूत, जिसको माता ने जन्म दिया और ये सोच कर जन्म दिया कि ये दुनिया का आदर करेगा, सम्मान करेगा, सत्कार करेगा, बड़ों का आदर करेगा, माता पिता की सेवा करेगा, घर के बुजुर्गों का आदर करेगा, सम्मान करेगा, सत्कार करेगा, माता पिता जब बीमार होंगे तो हॉस्पिटल लेकर जाएगा, दवाई दिलाएगा, कुछ सेवा में लगा रहेगा, और मालूम पड़े वो सब कुछ छोड़कर कहीं मांसाहार में पड़ा हुआ है, कहीं मदिरापान में पड़ा हुआ है, कहीं वेश्यावृत्ति में पड़ा हुआ है, कहीं जुए में पड़ा हुआ है, कहीं गलत काम में पड़ा हुआ है, गलत मित्रों की संगति में पड़ा हुआ है, तो ये कपूत ही तो हुआ। ये भारत की भूमि को लजाने वाले कपटी, कायर और कपूत, ये राष्ट्र को लज्जित करने वाले। कितनी विचित्र थी वो माता अनसुईया जी, सतियों की गिनती में आती है माता अनसुईया। और अनसुईया माता के यहां पर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों भिक्षा मांगने के लिए गए थे। सती केवल एक माता अनसुईया ऐसी थी जिसने सातित्व लोक बनाया, जिसमें सौभाग्यवती माताएं जब अपने पति के कंधे पर शमशान तक जाती हैं तो वो सातित्व लोक में जाती है। सातित्व लोक और एक बार माता पार्वती जी ने शिव जी से प्रश्न किया, बहुत बहुत सावधानी से सुनना, नर्मदा शिव महापुराण की कथा चल रही है, कई लोगों के मन का प्रश्न हो सकता है इस कथा के माध्यम से मिल जाए। एक बार माता पार्वती जी ने शिव जी से प्रश्न किया, भोलेनाथ बाबा, शिव जी ने कहा हाँ बोलो पार्वती, क्या बात है, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या ये बोलो। पार्वती जी ने कहा भोलेनाथ जी से, बाबा मेरे मन में प्रश्न, क्या जो पति के कंधे पर शमशान तक जाती है, अपने पुत्र के कंधों पर शमशान तक जाती है, मांग में सिंदूर भरा हुआ, हाथों में चुड़ला भरा हुआ, पांव में पायल, पैर में बिछुड़ी पहनी हुई, हाथ में मेहंदी लगी हुई, पांव में महापुर लगा हुआ, जो शमशान तक जाती है वो सतित्व लोक में जाता है। पर चंचुला देवी जिसका पति बिंदु मर चुका है, प्राण छोड़ चुका है, वो विधवा हो चुकी है, वैधव्य हो चुकी है, शिव महापुराण की विधेश्वर संहिता का, शिव महापुराण का महत्व है, बड़ा बड़ा ध्यान से सुनना। चंचुला देवी तो वैधव्य हो चुकी है, वैधव्यता धारण कर ली है उसने, और चंचुला देवी वैधव्य हो गई है,
तो माँ पार्वती जी करेंगे भोलेनाथ जी से, इस चंचुला को बैकुंठ लोक मिलेगा, सात्विक लोक मिलेगा कि नरक मिलेगा, कि स्वर्ग मिलेगा, कि गौलोक धाम मिलेगा, आप मुझे निश्चित कर कर आज बताइए, निश्चित कर कर बताऊंगा। आप बताओ कि इसको क्या मिलने वाला है। भगवान शंकर ने उसी समय पर पार्वती जी को एक बड़ा सुंदर वाक्य कहा, पार्वती पति के कंधे पर मांग भरी हुई, हाथ में चुड़ला पहनी हुई, पांव में बिछूड़ी पहनी हुई, हाथ में मेहंदी लगाई हुई, पांव में महाबूर लगाई हुई नारी जो शमशान तक जाती है वो सात्विक लोक में जाती है। पर सुनो पार्वती, आज मैं तुमको एक बहुत सुंदर संवाद कहता हूँ। पार्वती, जिस नारी का पति चले गया है और नारी अगर विधवा भी धारण कर लेती है, विधवा भी हो जाती है, विधवा भी धारण कर लेती है, क्योंकि भाग्य किसी ने नहीं देखा किसका, कि किसके ललाट पर क्या लिखा हुआ। और नारी अगर विधवा हो जाती है, और नारी विधवा होने के बाद भी अगर उसी पति का स्मरण करती रहती है जो पति चले गया है, किसी पर पुरुष का स्मरण उसकी चित्त वृत्ति में नहीं आता है, और अपने बच्चों के लालन पालन में अपने पति के जैसा बच्चा को बच्चों को बनाने का जब उसके भीतर एक लक्ष्य आ जाता है और शिव की आराधना में जो डूब जाती है, शंकर जी कहते हैं वो भी सात्विक लोक को जाती है। उसको बैकुंठ नहीं जाना है, उसको पति के लोक ही जाना है, सात्विक लोक ही जाना है। अगर नारी अपने पति को लक्ष्य बनाकर अपने बच्चों का भरण पोषण करती है, पति को लक्ष्य बनाकर अपने बच्चों का स्मरण करती है, किसी पर पुरुष का चित्त बुद्धि में मरते दम तक प्राण छोड़ते तक भी किसी पर पुरुष का स्मरण उसकी बुद्धि में नहीं आता, तो वो नारी भी जो अनसुईया जी ने लोक बनाया है उसी लोक में चली जाती है, वहां जाती है, उस लोक वही इसका कोई संवाद है आपके पास। भोलेनाथ जी ने तो कह दिया कि सात्विक, इसका कोई संवाद है। शंकर भगवान कहते हैं संवाद की जरूरत क्या है। चंचुला देवी का पति मरा, बिंदु के प्राण छूटे, प्रेत योनि में चले गया, चंचुला ने 7 दिन तक 9 दिन तक शिव महापुराण की कथा का स्मरण करा, चंचुला का पति प्रेत योनि से छूटा, चंचुला सामने खड़ी हुई थी और भगवान शंकर ने पूछा, चंचुला तू रो क्यों रही है। चंचुला कहती है मैं कहां जाऊंगी, पति लोक में जाना है मुझको, मैं कहां जाऊं, मुझे वैकुंठ नहीं जाना, मुझे किसी लोक में नहीं जाना, मुझे पति लोक में सात्विक लोक में जाना है। तो शंकर भगवान ने कहा, चंचुला तू चिंता मत कर, तूने 7 दिन की शिव महापुराण की कथा श्रवण करी है, तू बेधब्य होने के बाद भी तेरे ही पति के लोक में जाएगी, जा मैं तुझे भेजता हूं उस पति लोक में। एक प्रश्न आया था, किसी ने कहा था व्हाट्सएप पर कि गुरुजी कथा में माताएं ज्यादा क्यों जाती है, और शिव महापुराण में देखो तो माता ही माता मिलेगी, शिव पुराण में तो लेडीज ही लेडीज इतनी सारी जाती है, उसका कारण क्या है। हमने कहा शिव महापुराण की वायव्य संहिता को पढ़ी है, वायव्य संहिता में शिव महापुराण के वर्णन किया गया कि वायव्य संहिता में शिव महापुराण के कहा गया कि नारी का जो गर्भ होता है, गर्भ में जो बच्चा होता है 3 महीने का, 2.5 महीने का, 2 महीने का, 4 महीने का, अगर बच्चा शांत हो गया होता है, अधोगति में बच्चा मर गया होता है, जन्म लेने के बाद कुंवारी अवस्था में बच्चा मर गया होता है, या नारी जिस घर के अंदर रहती है उसका ससुराल और उसका मायका, इन दोनों कुल के अंदर अगर कोई अधोगति में कुंवारी अवस्था में 4 महीने का, 3 महीने का, 7 महीने का, 6 महीने का अगर कोई बच्चा मर गया होता है, अवर्षण हो गया होता है, तो उस नारी पर एक पाप कर्म का
कलंक लग जाता है। उस नारी का पाप कर्म का कलंक केवल एक ही पुराण धो सकती है और वो शुभा पुराण की कथा है। दोनों कुल में, दोनों कुल के अंदर 71 पीढ़ी में, 7 पीढ़ी नहीं लिखी है। उज्जैन जाना तो ऋण मुक्तेश्वर मंदिर पर जाकर पढ़ना, वहां लिखा हुआ है शिव महापुराण का लेख। 7 पीढ़ी नहीं, कोई नारी अगर शिव महापुराण की कथा श्रवण करती है और उसकी 71 पीढ़ी में भी मायके और ससुराल में भी अगर कोई गर्भ में शांत हो गया हो, कोई कुंवारी अवस्था में शांत हो गया हो, कोई एक्सीडेंट में शांत हो गया हो, कोई अधोगति में शांत हो गया हो, तो शिव महापुराण की कथा सुनने वाली उस नारी का कुल अपने आप डर जाता है। पिंडदान और तर्पण की जरूरत नहीं पड़ती, उसको तिलांजलि की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप डर जाता है। अगर कोई वेधव्य नारी शिव महापुराण की कथा सुनती है तो सातित्व लोक को चली जाती है। तो माता पार्वती जी ने शिव जी से कहा, आपने चंचला देवी को कौन सा लोक दिया? ओके, सातित्व लोक, वहां सुहागन भी जाएगी तो जो पति को लक्ष्य बनाकर जीवन जीती है वो भी जाएगी। सातित्व लोक का निर्माण किसने किया था? आपसे कोई पूछ सकता है? वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु है, ब्रह्म लोक में ब्रह्मा है, इंद्र लोक में इंद्र है, मृत्यु लोक में शिव है। सातित्व लोक का निर्माण किसने करा था जहां पर सौभाग्यवती नारियां जाती हैं, अखंड सुहाग धारण करने वाली जाती है, पति को लक्ष्य बनाकर जीने वाली जाती है, पति का एक मार्ग स्मरण करने वाली जाती है, उस सातित्व लोक का निर्माण किसने किया? कौन करने वाले? तो भगवान शंकर ने कहा, जिस समय पर मैं माता अनसुईया जी की गोद में बच्चा बनकर गया था, कथा सुनिए ना सबने, माता अनसुईया के दरवाजे पर ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों ने भिक्षा मांगी है, अनसुईया जी से कहा वस्त्र उतार कराइए तब हम भिक्षा लेंगे। अनसुईया जी ने हाथ में जल लेकर तीनों को छोटा कर दिया, बच्चा बना दिया। ब्रह्मा विष्णु महेश तलने में झूलने लगे। माता अनसुईया जी के पति ने पूछा, ये कौन है? तो कहा, अपने पुत्र हैं। पुत्र हैं? हाँ। अंतरिषि ने कहा, भी स्नान करने गया था तो एक भी पुत्र नहीं था, स्नान कर कराया तो तीन तीन कैसे आ गए? अनसुईया जी बोली, भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, ये तीनों उन्हीं ने दिए। अनसुईया जी जब तीन देवियां अपने अपने पतियों को लेने के लिए आई और अपने अपने पतियों को लेकर जाने लगी, तब माता अनसुईया जी ने शंकर जी से कहा था, भगवान ब्रह्मदेव से कहा था, भगवान विष्णु से कहा था। शंकर जी कहते, हम तीनों देवताओं से माता अनसुईया ने कहा, तुम तीनों तो चले जाओगे अपनी अपनी धर्म पत्नियों के साथ, अपनी अपनी देवियों के साथ, हम माँ और पिता अकेले रह जाएंगे। अपनी माता को रहने के लिए कोई लोक प्रदान कर सकते हो क्या तुम तीनों? ब्रह्मा को भगवान विष्णु ने देखा, भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी को आदेश दिया, ब्रह्मदेव माता अनसुईया के लिए, एक सती नारी के लिए, पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली, पति को परमेश्वर मानने वाली एक सातित्वमान नारी के लिए एक नए लोक का निर्माण करो। और अनसुईया जी के कहने पर एक सातित्व लोक का निर्माण किया गया जहां पर सावित्री जैसी सातित्वमान नारियां निवास करती हैं। क्या होता है शंकर जी को जल चढ़ाने से? क्या मिलता है शिव जी को जल चढ़ाने से? सौभाग्यवती नारी अगर शंकर भगवान को जल चढ़ाती है तो उसका सुहाग अमर होता है, और वैधव्य नारी अगर शंकर भगवान को जल चढ़ाती है तो उसके पति को भटकना नहीं होता है, वो भी कैलाश धाम में जाकर विराजमान हो जाता है। जल चढ़ाने कुंवारी कन्या अगर शंकर जी को जल चढ़ाती है तो उत्तम वर प्राप्त होता है, कोई कुंवारा लड़का अगर शंकर जी को जल चढ़ाता है तो जीवन में कभी पीछे नहीं हट सकता, तरक्की की ओर उन्नति की ओर बढ़ता चले जाता है। छोटे छोटे बच्चे अगर शंकर जी को जल चढ़ाते हैं तो इनको घंटों तक किताब लेकर पढ़ने के लिए बैठना नहीं पड़ता, एक बार जिस किताब को पढ़ लेते हैं बच्चे की बुद्धि में जम जाता है और बच्चा पास हो जाता है। आप शिव को जल चढ़ाने का क्या लाभ है? दुनिया के लोग भले ना समझ पाए,
खूब मेहनत करो और मेहनत के साथ में शंकर का स्मरण करो। करो मेहनत खूब ढंग के, लोग भले हंसेंगे कि बेलपत्री पे सेहत लगाकर शंकर जी को चिपकाने से कोई अच्छा रिजल्ट आता है। आप में से ना जाने कितनी माताएं बैठी होंगी, कल भी एक दो पत्र आए थे वो पढ़ नहीं पाए, उसमें लिखा था मेरा बच्चा पढ़ाई नहीं करता था, बेलपत्री पर सेहत चिपका कर मेरे बेटे ने दसवीं में अच्छे मार्क्स प्राप्त कर लिए। ये शिव तत्व, ये शंकर की कथा। दुनिया हंसे हंसे दुनिया का काम है। बताओ उसी और वाला महाराज तो आए दिन बैठे बैठे उपाय बताते रहता, टोट के बताते रहता। अब तुम उसको टोट के समझो चाहे उपाय समझो, और तुम्हारी मर्जी हो तो कथा सुनो, अच्छी लगे तो टीवी पे सुनो, नहीं तो रिमोट तुम्हारे हाथ में ढेर सारा कहीं कहीं का महाराज आ रहा होगा, उनको देखने बैठ जा। काहे को खाली तुम्हें टाइम बर्बाद कर रहे पगला के सुन के, सीओर वाला महाराज के सुन के। बहुत महाराज मिलेगा तुम्हें, महाज्ञानी, खूब प्रचंड प्रचंड, खूब विद्वत्ता की बात करेंगे, खूब ज्ञान की बात करेंगे। रिमोट तो तुम्हारे हाथ में है ना, जरा सी देर में महाराज को मन कर दो, सीओर वाले महाराज को सुनना कोई जरूरी है क्या? तुरंत चैन, तुरंत। पर नी मन मनी करे महाराज भले चेंज कर दू, थोड़ी देर में फिर आए कि पगला कुछ बोल रहा होगा, फिर चेंज, फिर जी। कल किसी ने पत्र में लिखा था, आप में बेटी हो तो बता देना, किसी ने पत्र में लिखा था गुरुजी लोगों को शुगर की बीमारी होती है, लोगों को बीपी की बीमारी होती है, एक माता ने लिख के भेजा था मुझे तो कथा सुनने की बीमारी हो गई है। मुझे कथा सुन किसने लिखा था वो मुझे नहीं मालूम, अगर बेटी हो तो खड़ी हो जाना जिसने लिखा था, तो मुझे तो कथा सुनने की बीमारी हो गई, जब तक कथा नहीं मिले तो आनंद नहीं आया, ये जीवन है। मोबाइल भी तुम्हारे हाथ में, कथा अच्छी नहीं लगे दूसरा महाराज आ रहा होगा, तुरंत चेंज कर दो, दूसरा देख लो, कोई विशेष वाली बात नहीं हो, अच्छी लगे तो कथा में आनंद लेने के लिए कि हाँ जीवन में हमें अपने जीवन को सुधारना है, शंकर के चरणों में जाकर अपने जीवन को सार्थक बनाना है, मुझे नर्मदा जी का स्मरण करना है, मुझे शंकर जी का स्मरण करना है, मुझे शिव तत्व को धारण करना हो तो कथा में आओ, नहीं तो जी जियो काहे को इतनी धूप में परेशान होने, अपने घर जाओ ने सो। कौन के तुम से ने तुम तो बढ़िया सत्तु बोलो गुड़ में रतलाम की कथा में तुम्हें बोली दिया था कि सत्तु बना कि किने बनाया, हाथ उठा जिसने सत्तु बनाया। अरे वाह बहुत जोरदार दी हाथ में, बहुत बढ़िया बनाया ना सर ने, बस अपने कहीं करना है कथा सुनो चाहे नहीं सुनो, सत्तू और गुड़ गोल गोल रपटा मारी थोड़ा सा नींबू का बस कहीं को माता पत्नी करें फालतू। पन्नी महाराज खानो नी भावे मन पीनो नहीं भावे रे, तोड़ तोड़ मन से मरी हलचल जावे रे, ये मन तोड़ के से मरी हलचल चले जाता है कि कथा सुनना है बस बस सुन दो। पार्वती जी ने शिव जी से कहा भोलेनाथ ये सातित्व लोग किसने बनवाया, तो कहा ये माता अनसुईया ने बनवाया, किसने बनवाया था जम के बोलो सब लोग, माता अनसुईया ने सातित्व लोग बनवाया था। महाराज एक सातित्ववान जो नारी होती है इसको जीवन में बहुत दुख झेलना पड़ता है,
सरल नहीं होता। पुरुष बाहर घूमने चले जाता है, किसी की दुकान पर जाकर बैठ जाता है, गार्डन में जाकर बैठ जाता है, लड़ाई हो जाएगी तो घर से बाहर निकल कर चले जाता है। पर नारी कितना भी झगड़ा कर ले, कितना भी क्रोध कर ले, कुछ भी हो जाए, वो कभी बाहर जाएगी। दुख भी आए तो घर के अंदर बैठकर झेलना है, और तकलीफ भी आए तो घर के अंदर बैठ के झेलना है, वो नहीं जाता। और आपसे निवेदन भी है जी, घर में कितना भी झगड़ा हो जाए, कितनी भी लड़ाई हो जाए, मेरी माताओं से और मेरी बहनों से निवेदन है, कितना भी झगड़ा हो जाए, चाहे पति पत्नी का हो, चाहे सास बहू का हो, चाहे रिश्तेदारों से हो, कुछ भी हो जाए, सब घर छोड़कर चले जाए, पर तुम मत जाना, मैं तो नहीं जाऊंगा। कोई कितना भी तुम्हें ताव दिलाए कि तू तो मेरे घर से चली जा, मुझे तो नहीं रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, तेरा तो मुंह नहीं देखना, तो उसके सामने जान मुझ के जा, पल्लू धर के ले, क्या कर ले, पर कुछ भी हो जाए, घर जम के बोलो जरा नीचो। कई बेटियां पतियों से झगड़ा कर कर मायके चली जाती हैं, फिर पति उनको लेने नहीं आता है तो पशुपति व्रत करती हैं कि आ जाए। तो उन बेटियों से निवेदन है, तुम्हें पशुपति व्रत करने की जरूरत नहीं, तुम तो सेमली की आज चौथे दिन की कथा सुन लो, बस झगड़ा करो, खूब करो, दिल से करो, एक दूसरे को भले कोस दो, पर वो कितना भी तुमको ताव दिलाए कि तू तो मेरे घर से चली जा, मेरे को तेरा मुंह ही नहीं देखना, और मैं तो ये कर लूंगा ने वो कर लूंगा ने, यूं हो जाएगा ना वो हो जाएगा, और ना अपने को मरना है ना किसी को मरने देना है, छाती पे मुंडन अपने कहीं नहीं जाऊंगा। और गुस्सा होके अगर थोड़ी दूर चली भी जाए तो रात होने से पहले शाम को वापिस आ जाना, कोई कोई बुलाने नहीं भी आए तो भैंस की पूंछ पकड़ के जाए। और परिवार वाले पूछे क्यों तू तो झगड़ा करके गई थी, अब शाम पड़ काय को आ गई, मैं कोई आ रही थी वो तो भैंस ली आई। कुछ भी हो पर अपने को घर में छोड़ना, अपने नीचे, और जैसे ही भैंस अंदर घुसे ना घर में, तुम पूंछ पकड़ के कहते नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, अंदर नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, बस बस मैं तो थोड़ा नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगा, बस इतना कर, तो लोग भी पूछ लेंगे क्या हो गया, मैं थोड़ी ना आ रही थी, तो भैंस ली आई, मेरे को भैंस ने से भी कर दिया, नहीं तुम जान ना, पर घर विनाश काले विपरीत बुद्धि, किसी से भी झगड़ा हो, लड़ाई हो, परिवार में कितना भी झगड़ा कर लो, पर अपने को संबंध खराब नहीं करना, रिश्तेदारी खराब नहीं करना। आज के जमाने में सबसे ज्यादा केस जो है ना अदालत में किसी चीज का नहीं है, केवल तलाक का ही है, ढेर केस पड़ा हुआ है तलाक ही तलाक का, बेचारा जजवन भी माथा रगड़ लिया, कई करेंगे समझाने की कोशिश करते हैं कि समझ जाओ, समझ जाओ, नहीं समझते लोग, नहीं हमें तो नहीं रहे, हम तो रहे हैं, तुमसे ज्यादा झगड़ा शंकर और पार्वती में होता था, जितना तो तुम नहीं झगड़ते होता। एक दिन शंकर जी ने पार्वती जी से कह दिया था, स्वामी, शंकर भगवान पार्वती जी से बोल दिए, सुनो पार्वती, पार्वती जी बोली हाँ प्रभु, शिव जी बोले तुम्हारे पिताजी के पास में कितनी दौलत थी, हिमालय राज, कितना बड़ा राजा, और कन्यादान में कई नहीं दिया, दहेज में कोई सामान नहीं, कोई सामान दे देते। पार्वती जी सिर पे पल्लू बांध के जूड़ा बांध के बोली, मेरे बाप के पास में तो खूब था, देवी देता, तुम कई आग लगाते, बस शमशान रखते कहां सामान को। तुम्हारे यहां रखने की जगह है,
वो तो फ्रीज भी देने को तैयार था, पर पिताजी बोले रहे तो कैलाश पे तो रहता हूँ ठंड बैसे बोलते। फिर उन्होंने कहा कि मैं तो वॉशिंग मशीन दे दूं, तो पिताजी बोले रहे कपड़े तो पहने ही नहीं, धोए का फिर उसने रोटी बनाने की मशीन भी देने की सोची, तो कह रेंदे वो तो खाए नहीं चूरमा ही चूरमा। केवल दो ही चीज दी थी दहेज, एक सिलवट्टा एक रूढ़िया, खूब घिसो सकाचा। और वो सिल्ला और वो लुढ़िया आज तक ब्याह में काम आ रही है, मंडप के अंदर सबसे पहले वो लगाती है जो कन्यादान में सजी के लिए रही है। आज भी किसी के घर में भी शादी हो सबसे पहले मंडप के अंदर वही रखाएगी, चाहे पितरों की पूजन हो चाहे मंडप की पूजन हो चाहे कोई भी पूजन हो, ब्याह के समय की वो सिल्ला और वो, और जैसे पार्वती जी के ब्याह में वो सिल्ला लुढ़िया दी गई, वो दाल पीसी गई सामान पीसा गया, आज भी ब्याह के अंदर सबसे पहले वो बड़ी टीटे वो पीस पीस के सबसे पहले। अब दुनिया के लोग पूछते हैं ये कहां का नियम है, परंतु उनको बता दो शंकर जी के ब्याह का नियम है, भले इतनी सी तोड़ो पर बड़ी। अरे बोलो तो यहां टूटती कि नहीं टूटती, जिसके ब्याह में बड़ी टूट जाती है उसका घर कभी नहीं टूटता, और जिसके यहाँ बड़ी रेडीमेड आ जाती है तो घर भी रेडीमेड ही हो जाता है। इसलिए घर में ब्याह के समय पर बड़ी तोड़ना बहुत जरूरी होता है, थोड़ा 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 थोड़ा, भले चार तोड़ो पांच तोड़ो, माताएं आपस में गीत गाती गाती तोड़ती है ना, बन्ना बन्नी गाती जाए और तोड़ती गाती बना जी लहंगा लाना जी, बनी फिर पहन के आएगी, फिर यूं इतराएगी, फिर दिल्ली जाएगी, वहां से झुमका लाएगी, फिर गाना गाएगी झुमका गीला। अब गाए गाए सो सो, अब बड़ी तोड़ते समय माता बड़ा सुंदर सुंदर भाव गाती है, कभी गणेश जी गा लेती, कभी बना बना गा लेती, आनंद का लेती, उसका एक हृदय सुख है। शंकर भगवान के विवाह से जो एक रिश्ता जुड़ा हुआ है ना, वो रिश्ता कभी समाप्त नहीं होता, वो एक आनंद का रिश्ता है शिव विवाह। झगड़ा हो मना नहीं है हो तो, परंतु हमको हमारा परिवार देखना है, हमको हमारे रिश्ते देखना है, हमको हमारा कुटुंब देखना है, हमको बार बार छोड़कर नहीं भागना, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम्हारा माए का कितना भी अच्छा हो, कितना भी धनपति हो, तुम्हारा भाई भाभी मम्मी पापा सब अच्छे हो, मना नहीं है, फिर भी प्रयास करना कि जो संबंध माँ बाप ने करा है उसको निभा कर चलना है। कहा गुरु जी इसको निभाएं कैसे, कई बार बहुत दुख भी आ जाता है, तकलीफ भी आ जाती है, माना थोड़ा समय एडजस्ट करने में लगता है, पर इतनी जल्दी निर्णय मत लेना कि तलाक पर पहुंच जाओ, थोड़ा एडजस्ट करिए। तलाक करने के बाद में क्या करोगे, दूसरी शादी करोगे। अगर ललाट में पहले ही अच्छा लिखा होता तो ये भेरू गाय को मिला होता, सही है कि गलत है। अब दूसरी कर लोगे फिर वही मिल गया तो क्या कर लोगे, इसलिए वो टेढ़ी चोटी वाली बाई गाती ना, भला या बुरा है जैसा मेरा पति मेरा बेटा, तो जैसा मिला शिवजी से माता ने कहा सातित्व लोग जिसको माता अनुसुईया जी ने सातित्व लोग बनाया है, सातित्व लोग माता अनुसुईया जी ने बनाया। क्या अनुसुईया जी के अलावा सावित्री के अलावा उस सातित्व लोक में किसी और सती ने भी अपना आनंद सुख प्रदान किया? क्यों नहीं?
शिव जी ने एक संवाद सुनाया। एक बार मानसुईया अपने पति आंतर बाबा के साथ में जा रही थी। नर्मदा जी का पावन तट था। मां नर्मदा जी के पावन तट के पास में से जब घूमते हुए निकली है, तब अनसुईया मैया के मन में आया कि कितनी सुंदर भूमि है, कितना सुंदर जगह है, कितना अलौकिक जगह है, कितने आनंद की जगह है। पर इतनी अलौकिक आनंद की जगह में अगर कोई मिल जाए ऐसा जिसको जीवन की सार्थकता उत्पन्न हो जाए, उसी समय पर छोटी सी कन्या दौड़ती हुई अनसुईया जी के पास आई। नर्मदा जी के तट पर, मां नर्मदा के तट पर वो कन्या मिली, इसलिए अनसुईया जी ने उसका नाम नर्मदा रख दिया। क्या नाम रखा? जम के बोलो, नर्मदा। पर इस कन्या का नाम नर्मदा रख दिया और कन्या धीरे 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 अनसुईया जी के आश्रम में, अंतरी बाबा के आश्रम में सुंदर आनंद से चित्रकूट की उस पावन धरा पर नर्मदा एक कन्या जो अनसुईया जी को मिली थी, छोटी सी बेटी जिसका नाम नर्मदा के घाट पर मिली थी, इसलिए उसका नाम क्या रखा था? नर्मदा। तो वो कन्या अनसुईया जी के यहाँ रहने लगी। अब अनसुईया जी के यहाँ नर्मदा जी रह रही, छोटी सी कन्या, छोटी सी बेटी। रहते 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 समय बीता। एक दिन नर्मदा जी जब वो कन्या जब बड़ी हो गई, तो बड़ी होने के बाद एक दिन उसके मन में रात्रि को विश्राम करते करते सोते सोते देवऋषि नारद का दर्शन हुआ। और देवऋषि नारद जैसे ही आए तो देवऋषि नारद ने कहा, अरियो नर्मदा, अरियो नर्मदा। नर्मदा वो कन्या उठी, नारद जी को देखा, प्रणाम किया देवऋषि नारद को, बाबा आप आयो? हाँ, कैसे आना हुआ? देवऋषि नारद ने कहा, नर्मदा तो अनसुईया जी के घर में पड़ी बड़ी हुई, अनसुईया जी के साथ में रही, अंतरिषि के साथ में रही, तूने कभी बैकुंठ का दर्शन करा है तूने? नर्मदा जी बोली, मैंने तो कभी बैकुंठ का दर्शन नहीं करा। देवऋषि नारद ने कहा, अगर मृत्यु लोक में अगर तू आई है, मृत्यु लोक में अगर तेरा जन्म हुआ है और तू अंतरी और अनसुईया जी की यहाँ रहती है, तो एक बार तू बैकुंठ लोक का दर्शन तो कर करा, कितने सुंदर बैकुंठ लोक, कितना सुंदर बैकुंठ लोक तू जा तो सही। अब वो लड़की ने दौड़ कर आई और अनसुईया जी के पास में आज बैठ गई। अनसुईया जी बाती बना रही थी दीप के लिए, और दीप के लिए बाती बनाते समय वो बेटी आई और बेटी नर्मदा मां बैठ कर बाती बनाने लगी। बाती बनाते बनाते अनसुईया जी उसके मन की बात को जान गई। अनसुईया जी ने जानते से पूछा, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ, क्या है तुम्हारे चेहरे पर थोड़ी सी सन नजर आ रही है, कुछ चिंता नजर आ रही है, हुआ क्या? तो इतने में वो बेटी तुरंत कहती है, मां मुझे बैकुंठ देखना है, मुझे बैकुंठ लोक देखना है। माता अनसुईया ने अपनी पुत्री नर्मदा को समझाया। ध्यान रखना, ये अमरकंटक वाली नर्मदा की कथा नहीं चल रही है। ये कौन नर्मदा की कथा चल रही है? अनसुईया जी को जो लड़की मिली है उस नर्मदा, उसका नाम नर्मदा रखा था, क्योंकि मिली कहां थी वो? जम के बोलो जरा, नर्मदा जी के घाट पर। अगर शंकर जी की कृपा से किसी के घर संतान हो जाती है तो वो शिव जी का नाम रख देते हैं।
राम जी की कृपा से अगर संतान होती है तो राम जी का नाम रख देते हैं। नर्मदा जी के घाट पर कन्या मिली थी इसलिए उसका नाम क्या रखा था? नर्मदा। नर्मदा ने कहा माँ कुछ भी हो जाए मुझे एक बार वैकुंठ का दर्शन करना है। माँ ने समझाया अरे नर्मदा वो वैकुंठ धाम है, हम देवताओं के इस कार्य में अर्चन नहीं डाल सकते, तुम इस शरीर से वैकुंठ नहीं जा सकती। नर्मदा ने तो जिद पकड़ ली चाहे कुछ भी हो जाए मुझे वैकुंठ जाना है जाना है। मैंने सुना है माँ कि आप जब सातित्व को लोग बना सकती हो माँ आपकी सातित्व की चर्चा पूरे संसार में है तो क्या मुझे वैकुंठ लोक का दर्शन नहीं मिल सकता? माँ ने कहा बेटी वैकुंठ लोक का दर्शन तो मिल जाएगा पर जीते जी अगर तू वैकुंठ चली गई ना तो वहां से आने के बाद तेरा जीवन बेकार हो जाएगा। अगर जीते जी तू वैकुंठ चली गई तो वहां से आने के बाद तेरा जीवन बेकार हो जाएगा, तुझे दुख झेलना पड़ेगा, तुझे कष्ट झेलना पड़ेगा, तुझे नरक जैसा जीवन जीना पड़ेगा। इतने में तो तुरंत नर्मदा तो नर्मदा थी, जैसे एक माँ अपनी बेटी को समझाते हैं कि उस धर्म में विवाह मत करना, उस लड़के से शादी मत करना, उसके साथ मत जाना, जीवन नरक हो जाएगा। परंतु बेटियों को समझ में कहाँ आता है? बेटियां तो सोचती है कि हमारा जीवन बस वहीं तक है, वहीं तक बस रात को 2-3 बजे तक बात हो जाए, प्रेम स्नेह की बात हो जाए, उसी में हमारा जीवन लगा हुआ है। पर बेटियों को समझ में कब आता है? जब ऐसे लड़कों से विवाह कर लेती है और जब लड़का अपशब्द कहता है, ताने देता है, गालियां देता है और गंदे कृत्य करते हैं, तब जाकर बेटियों को समझ में आता है कि हमने गलत जगह पर विवाह कर लिया। तब बेटियां रोती हैं, तब जाकर बेटियों के जीवन में दुख उत्पन्न होता है। माता नर्मदा को बेटी नर्मदा को सती नर्मदा को समझाया जा रहा है। अनसुईया जी अपनी पुत्री को समझा रही है, जिस पुत्री को गोदी में लेकर आई थी, जिसको पाल पोस कर बड़ा करा था, जिसको विवाह के लायक कर दिया था, उस नर्मदा को उस पुत्री को अनसुईया मैया समझा रही है, जो अनसुईया की पुत्री भी कहलाई, अनसुईया जी की दासी भी कहलाई, अनसुईया जी की सेविका भी कहलाई, अनसुईया जी के चरणों में निवास करने वाली भी कहलाई। वो लड़की को अनसुईया समझा रही है कि तू देख मान जा, जब तू वैकुंठ से आएगी ना तब तेरे को दुख बहुत झेलना पड़ेगा। पर बेटियों को समझाओ कि ये तू गलत धर्म में विवाह मत कर, सनातन धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में क्यों जा रही है, क्या मिलेगा वहाँ? कुछ भी नहीं, जीवन नरक जैसा हो जाएगा, कोई पूछेगा नहीं, कितना गंदा वातावरण होगा। बेटी को समझाया जाए तो भी कह देती नहीं 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 वो ऐसे नहीं है, वो तो मेरा ब्याह बस उन्हीं से करूंगी। तो माँ बाप भी उसको समझा समझा के रह जाते हैं, समझा समझा के रह जाते हैं, पर वो मानने को तैयार नहीं हो तो क्या करें? तब मेरा निवेदन है, इसलिए आज भी आपसे कहता हूँ कि अपने घर के बेटे हो चाहे बेटियां हो, उनको एक लोटा जल लेकर शिव मंदिर भेजो जिसकी उनकी बुद्धि बदलना लगा। बेटी को समझाया अनसुईया जी, समझने को तैयार नहीं हुई, मुझे तो वैकुंठ जाना ही है तो दुख झेलना पड़ेगा वहां से आने के बाद, मंजूर है जाओ। माँ बाप बेटी को पाल पोस कर बड़ा कर देते हैं, माँ बाप बच्चों का अच्छा भाग्य बनाने का प्रयास करते हैं, पर बच्चों को चाहिए कि किसी गलत के चक्कर में ना पड़कर माँ बाप जिस लक्ष्य तक आपको पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं आप माँ बाप के अनुसार चलकर उस लक्ष्य तक पहुंचने का। इसीलिए
शिव महापुराण के माध्यम से हमारा भी प्रयास रहता है और आपसे भी हाथ जोड़कर निवेदन करेंगे कि आपका भी प्रयास करिए। सनातन धर्म की बेटियां सनातन धर्म में ही विवाह करें, दूसरे धर्म में ना जाए, इसका लक्ष्य आपको निश्चित करना। इसका लक्ष्य आपको निश्चितता देना। कलयुग को समाप्त कर कर कौन सा युग लाएगी? जम के बोलो जरा, शिव युग। और वो शिव युग जरूर है, शंकर का। अनसुईया जी ने नर्मदा बेटी को समझाया, नर्मदा तुम मत जाओ बैकुंठ, बाद में तुम्हें भोगना पड़ेगा, मैं तैयार हूं, दुख झेलने के लिए तैयार, पक्का जी, पर जाना है मुझे बैकुंठ का दर्शन करने के लिए। समझाओ फिर भी नहीं। चलिए, अनसुईया जी ने अपने उल्टे पांव के अंगूठे को जमीन पर घिसा और घिसते से ही एक ज्योत उत्पन्न करी, एक अग्नि की ज्योत उत्पन्न कर कर अपनी पुत्री नर्मदा से कहा, नर्मदा इस पर बैठ जाओ और तुम बैकुंठ का दर्शन कर लिया। उस ज्योत पर बैठकर नर्मदा जी सबसे पहले इंद्रलोक गई और जैसे ही इंद्रलोक का ठाट देखा, इंद्रलोक का सुख देखा, क्या सुंदर इंद्रलोक है, पर इंद्रलोक में जाकर क्या देखा कि अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, देवता बैठे हुए हैं। तब नर्मदा जी वहां पर खड़ी की खड़ी रह गई, वो बेटी नर्मदा वहां खड़ी। और बहुत ध्यान से सुनना, अमरकंठ वाली नर्मदा जी की कथा नहीं है ये सती नर्मदा की कथा। कौन सी नर्मदा की? अनसुईया जी की सेविका, अनसुईया जी की बेटी, अनसुईया जी की पुत्री, जो नर्मदा जी के घाट पर कन्या मिली थी, उस नर्मदा की कथा। ये अमरकंठ वाली नर्मदा की। नहीं तो आप लोग किसी को सुना दो और वो कह दे बताओ हमने नर्मदा जी का ये चरित्र तो कभी सुना ही नहीं था, तो कह देना ये अमरकंठ वाली नर्मदा जी की कथा नहीं, ये सती नर्मदा जी की कथा चल रही है, अनसुईया जी की सेविका, अनसुईया जी की पुत्री। जो इंद्रलोक का राज्य देखा, सारे देवता चले गए उठ उठ के, इंद्र का ध्यान वो नर्मदा कन्या पर पड़ गया, नर्मदा बेटी पर पड़ गया। और पढ़ते से इंद्र ने क्रोध में आकर कहा, तुम यहाँ कैसे आ गए, वो भी जीते जी शरीर के साथ यहाँ कैसे पहुंच गई? इतने में नर्मदा जी ने कहा कि मैं अनसुईया जी की पुत्री हूँ और मैं यहाँ आई हूँ, मेरे मन से आई हूँ, मैं दर्शन करने बैकुंठ जा रही थी, सबसे पहले इंद्र लोक आई हूँ। इंद्र तो क्रोध आ गया और इंद्र ने इनको धक्के देकर वापिस पृथ्वी पर फेंक दिया, वापिस कन्या वापिस आ गई, रोने लगी, माँ इंद्र ने मुझे धक्के देकर निकाल दिया, पर ये श्रेष्ठ नहीं है, नारी जाति का अपमान माना, ये श्रेष्ठता नहीं। इंद्र कह रहे थे तुम ऐसे सा शरीर यहां नहीं रह सकते। अब नर्मदा जी ने कहा, उस बेटी ने कहा, माँ अब मुझे इंद्रलोक नहीं जाना, 33 करोड़ देवता जिस सती का सम्मान करते हैं, मुझे वो सातित्व लोक में जाना है। अब बता मुझे क्या करना है? माँ तू जैसा बोलेगी, सातित्व लोक में जहाँ देवता भी सम्मान करते हैं, 33 करोड़ देवता जहाँ आकर सम्मान का एक लक्ष्य निश्चित करते हैं, मुझे उस सातित्व लोक के लिए जाना, बता माँ मुझे क्या करना है, तू बता। माँ ने कहा सातित्व लोग जाने के लिए तो बेटा तुझे पहले विवाह करना पड़ेगा। विवाह? हाँ, पर माँ
मैं और विवाह करूं ये ठीक नहीं है माँ, मैं तो आपकी सेवा में लगी रहूंगी, आपकी सेवा करती रहूंगी। नहीं, बेटी घर में रहे, माँ बाप उसका विवाह करें। क्यों? क्योंकि माता पिता जब बेटी का कन्यादान करते हैं, जन्म ली बेटी का कन्यादान जब माता पिता करते हैं, तब बाप और माता को एक भी नरक नहीं भोगना पड़ते हैं, वो सीधे वैकुंठ चले जाते हैं। इसलिए मेरी जितनी भी बेटियां आस्था चैनल पर कथा सुन रही हो, जितनी मोबाइल पर सुन रहे हो, जितने इस पंडाल में सुन रहे हो, मेरा बेटियों से करवट निवेदन है, आप अपने माता पिता को कन्यादान का मौका जरूर देना, क्योंकि आपके माता पिता कहीं नरक में ना पड़े रहे, उनको वैकुंठ भेजने की जवाबदारी आपकी है, बेटियों की। थोड़ी सी सुंदरता देख के मोबाइल का बैलेंस भरवा दे तो उस चक्कर में मत फंस जाना, गाड़ी पे घुमाए उस चक्कर में मत फंस जाना री जी जी हो। बहुत लालच देंगे लोग, आपको भटकाएंगे, भरमाएंगे, बॉडी शॉडी दिखाएंगे और बाइक पे घूमने ले जाएंगे, कहीं मोबाइल में बैलेंस डलवा देंगे, कहीं फैशन मेसन करेंगे, कहीं फिल्म मिलीम ले जाएंगे, इनके चक्कर में मत पड़ना, ये फिल्म दिखाने के चक्कर में फिल्म बना देंगे, इनके चक्कर में। और अगर कहीं का तुमको गलत दृष्टि से देखे तो रतलाम की कथा में कहा था, आज फिर कहता हूं, खूब लड़ी मर्दानी वो तो, झांसी वाली रानी थी, किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई आपको घूर के दे ले, क्योंकि केवल तुम्हारी दृष्टि ही इतनी विचित्र है। अगर एक साड़ी पहनने वाली बहू भी अगर घूर के और जम के देख ले ना, अच्छे अच्छे के पसीने छुड़ा दे, भागता नजर आएगा। दम तुम में होना चाहिए, बल तुम में होना चाहिए, प्रबलता तुम में होना चाहिए। एक शेर को भी काबू कर लेती है मेरी माँ जगत जननी दुर्गा भवानी, शेर को भी पांव के नीचे दमोच कर चलती है मेरी जगत जननी जगदम्बा भवानी। तो तुम तो सनातनियों के घर की बेटी हो, जिनके घर में देवी भी तलवार और त्रिशूल लेकर बैठी रहती है, तो तुम खाली हाथ कैसे घूम सकती हो? तुम्हारा तो हाथ और आंख ही काफी है, जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसी को कुछ देखने की और बोलने। क्या विचार है बेटी? अरे बोलो तो। हम तो इस कथा के माध्यम से आपको केवल जगा सकते हैं री बेटियों, ईमानदारी की बात बोले ना, हमारा केवल अगर कोई कहे ना सीओर वाला हमारा पगला है तो सही में पगला है, हमारा तो काम जगाने का है। आप जाग जाओ, कैसे भी अपने सनातन धर्म को पहचान जाओ और अपनी जिंदगी को पहचानो कि कितनी कीमती है, इस कीमती जीवन को नरक मत होने देना, ये आपके हाथ में है, अपने माँ बाप को नरक मत भेजना, संवार ले, संवार। माँ मुझे विवाह करना पड़ेगा, हाँ, और विवाह के बाद में जो परीक्षा चालू होती है, सही परीक्षा तो हुई है, ये जितनी परीक्षा तुमने दी, टेंथ की, ट्वेल्थ की, फर्स्ट ईयर की, सेकंड ईयर की, एमबीए की, इंजीनियर की, डॉक्टर की, ये सारी परीक्षा हल्की है, जिंदगी की परीक्षा की आ गई। अच्छे अच्छे डॉक्टर और मिनिस्टर, अच्छे अच्छे कलेक्टर और एसपी भी घर की परीक्षा में फेल हो जाते हैं, घर की परीक्षा में। अच्छे अच्छे संत महात्मा भी घर की परीक्षा में फेल हो जाते हैं।
देखा होगा भी एक संत ने बीच में सुसाइड कर लिया था, एक इंदौर के संत ने सुसाइड कर लिया था। सारी परीक्षा में पास हो सकते हैं, अच्छे अच्छे प्रवचन दे सकते हैं, अच्छा अच्छा समझा सकते हैं, ज्ञान बांट सकते हैं, बड़ी बड़ी परीक्षा इंजीनियर कलेक्टर और एसपी की पास कर सकते हैं, सब कुछ बन सकते हैं, पर घर की परीक्षा सबसे बड़ी होती है। जब घर में समस्या आती है तो अच्छा अच्छा मिनिस्टर भी हिल जाता है। और वो परीक्षा पास कर ली तो जिंदगी की सारी परीक्षा पास कर ली। उस परीक्षा में हमको वो परीक्षा पास करना है जो अंदर से हिलाती है। नर्मदा की सही परीक्षा तब चालू हुई। माँ ने कह दिया तुम्हारे की शादी करना है, तो माँ शादी कैसे करना है, किससे करूं? अनसुईया जी ने कह दिया तुम अपने कक्ष में जाकर सो जाओ, सुबह उठोगी जो पुरुष तुम्हें नजर आएगा उसी के साथ तुम्हारा विवाह होगा। अनसुईया जी जाकर सो गई, नर्मदा जाकर सो गई, उठी और उठकर क्या देखती है कि सामने एक अंधा चले आ रहा है जिसकी आंखें नहीं, शरीर में रोग हो रहा है। बहुत अच्छा देख कर विवाह कर दो, खूब पैसा देख के विवाह कर दो, आगे लड़की का भाग्य भी होना चाहिए। भगवान से ये कहना पैसा देख कर, बहुत धन देख कर लड़की का विवाह मत करना, लड़के के संस्कार देखकर, गुण देखकर विवाह करना। फिर भले वो लड़का साधारण सी नौकरी करता हो, चाहे जॉब करता हो, चाहे बिजनेस करता हो, जो आपकी बेटी को खुश रख ले ऐसे लड़के के साथ विवाह करना, जो पैसा तो कमाए और वाणी से मेंढक टपका है ऐसे से विवाह मत करना। भाग्य में होगा तो धन ढेर मिल जाएगा और भाग्य में नहीं होगा तो धन मिलेगा। कहां मिलेगा? संपदा कहां मिलेगी? महाराज पति मिला, अनसुईया जी ने विवाह करवा दिया उस अंधे के साथ, क्योंकि परीक्षा है। अगर एक पतिव्रता धर्म को धारण करने वाली सातित्ववान नारी अगर सोच ले तो यम की कैद से पति को छुड़ा कर ला सकती है। अगर सातित्वता में बल होगा तो अंधे की भी आंख आ सकती है, ये अनसुईया जी सिद्ध करना चाहती है। जैसे आगरा से आई हुई बेटी से कहा भले गोले निकल गए आंख के, पर अगर शंकर पर विश्वास है, रोज शिव जी की पूजन करो और शंकर जी से एक बात कहती रहे कि एक बार तुम्हें देखना है, एक बार देखना है, एक बार देखना है। सूरदास भी रोज प्रार्थना करते रहे थे भगवान कृष्ण से, एक बार तेरा दीदार करना है। तो भगवान ने कुएं के अंदर भगवान कृष्ण ने दीदार करा दिया था, सूरदास को आंखें दे दी थी। तो क्या तुम्हें नहीं दे सकते? ऐसा कौन सा दुख है जो शिव नहीं हर सकते? शंकर ये पत्रों देखो कितने सुंदर है, देखिए। मेरा नाम भगवती चोरे है गुरुदेव, ग्राम साकेत, इटारसी, जिला नर्मदापुरम, होशंगाबाद से आई हूं। भगवती जी चोरे कहीं बैठी हो तो हाथ उठाकर दोनों हाथ हिला सकते हैं। अच्छा पीछे हैं क्या? बिल्कुल ठीक है, हाथ हिलाओ बहन। हाँ दिख गए, ठीक है। श्री शिवाय नमस्ते। हम गुरुदेव
भगवान भोलेनाथ की कृपा से मेरे हर काम ऐसे हो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता। पशुपति व्रत और भोलेनाथ की कृपा होती है, सारे काम हो जाते हैं। गुरुदेव, पशुपति व्रत किया बेटी ने, उसका घर बस गया। पशुपति व्रत किए, बेटे का संबंध हो गया। तीसरा पशुपति व्रत किया तो गुरुजी आप विश्वास नहीं मानेंगे, एक रुपया भी नहीं था मेरे पास में, और कम से कम 10 से 12 लाख की शादी मेरे भोलेनाथ ने मेरे करवा दी बच्चों की। मेरी भांजी को 15 साल शादी के हो गए थे लेकिन बच्चा नहीं हुआ। डॉक्टरों ने कह दिया था बच्चे दानी में गांठ है, बच्चा नहीं होगा। बंबई के अस्पताल में लिखाया लेकिन कुछ नहीं हुआ। और गुरुजी पहला पशुपति व्रत किया, कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब दूसरी बार पशुपति व्रत वापिस किया, गलती की क्षमा मांगते हुए दूसरी बार पशुपति व्रत जब चालू करा, तो बाबा की ऐसी कृपा रही कि 15 दिन के अंदर मेरी भांजी की रिपोर्ट आई और उसका गर्भ ठहर गया। ये शिव की कृपा है। जिसके यहाँ 15 साल तक औलाद नहीं हुई उसको बाबा ने संतान दे दी। बैठो बहन, हर हर महादेव, बैठ जाइए। ये शिव कृपा, अगर विश्वास है तो भगवान माना, और अगर विश्वास नहीं तो भगवान माना, भरोसा करो। क्यों भटके? एक लोटा जल सब समस्या का हल। बच्चे हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो, जवान हो, इंटरव्यू देने जा रहे हो, परीक्षा देने जा रहे हो, कोई कार्य के लिए जा रहे हो, एक लोटा जल सुबह से उठ के शिव जी को चढ़ाओ, प्रार्थना कर लो, तेरे भरोसे पर हूं बाबा तुझे समान। विवाह हो गया, पति मिल गया, अंधा और शरीर में रोग, अभी कथा में कहा था अगर विश्वास पक्का है परमात्मा मिलता जरूर है। एक पत्र आया है, देखिए। नाम संजू विश्वकर्मा, ग्राम सिलगेना, तहसील बाड़ी, जिला रायसेन। कहीं बेटी हैं संजू विश्वकर्मा, कहीं बेटी हो तो हाथ हिला सकते हैं। संजू विश्वकर्मा, ग्राम सिलगेना, तहसील बड़ी, जिला रायसेन। आपने लिखा है गुरुजी, कहीं बेटी हो तो दोनों हाथ हिला देना, दिख गई क्या? अच्छा, इधर लेफ्ट वाले पिंडल में, ठीक है, दोनों हाथ हिला दो बहन, जहां भी बैठी हो लेफ्ट वाले पिंडल में। अच्छा, पीछे है क्या? ठीक है गुरुजी। 2019 में मेरी आंखों की रोशनी चली गई थी और मैं सूरदास हो गई थी। 2020 में चेन्नई के नेत्रालय में, नेत्रालय का नाम लिखा है पर हम उसको दिखाएंगे नहीं, चेन्नई के नेत्रालय में 4 बार सर्जरी हो गई पर नहीं दिखाई पड़ा। फिर परिवार वालों के कहने पर एक दिन मैंने आपकी कथा सुनी, और कथा सुनने के बाद शिव महापुराण में आपने बताया था कि असली शहद शंकर जी के शिवलिंग पर चढ़ाना है, उसे लेकर आना है मंदिर से वापिस, और आंखों में उस शहद को लगाना प्रारंभ करना है। गुरुदेव, अब बाबा की कृपा से मुझे धुंधला धुंधला दिखना प्रारंभ हो गया है, ये शिव की कृपा।
अब मुझे थोड़ा थोड़ा आंखों से दिखने लगा, धुंधला धुंधला दिखने लगा। अब मैं काम भी धीरे धीरे करना प्रारंभ कर दिया। बच्ची ने अपना मोबाइल नंबर तक लिख कर डाला है, बेटा शिव की कृपा हुई है। अगर आपने शंकर पर विश्वास रखकर शहद चढ़ाकर आंखों पर लगाना प्रारंभ करा है तो यह पक्का है मेरा शिव साथ आता। जो प्रैक्टिकल हम अपने ऊपर भी करते हैं वही प्रैक्टिकल आपको भी बताता हूं। हमारा पुत्र राघव जी को अगर आप कभी नेट पे सर्च करेंगे तो उनको बहुत मोटा चश्मा लगा हुआ था। जब शिव महापुराण के संवाद को हमने एक बार लेख में से निकाला कि शहद चढ़ाकर आंखों में लगाओ, तब हमने राघव की आंखों में भी लगाना प्रारंभ करा। आज लगभग 1.5 से 2 वर्ष हो गए राघव का चश्मा आंखों से जा चुका है और वो भी बढ़िया स्कूल जाता है। पहले मोटा चश्मा लगाकर बैठे। नेत्र की ज्योति आती है, शिव पर विश्वास होना चाहिए। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, देखिए। मेरा नाम शिवानी ध्रुवे है, ग्राम मार गांव से आया। कहीं बेटी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। शिवानी ध्रुवे 26 जनवरी 2022 को कुबेरेश्वर धाम सीहोर गए हम। बाबा से जो कामना बोलकर आई थी वो कामना मेरी पूरी कर दी। कहाँ है शिवानी जी, आती हैं? दोनों हाथ हिला दो बेटा। हर हर महादेव। मेरे पिताजी बहुत ज्यादा शराब पीते थे, नशा करते थे, पत्ते खेला करते थे और गलत आदतें भी बहुत सी थी। मैं भगवान शिव से कहकर आ गई कुबेरेश्वर भंडारी, मेरे पापा को ठीक कर देना। और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मेरे पिताजी को जिस दिन से मैं कुबेरेश्वर धाम से आई वहां की थोड़ी सी रज लाई और वो रज एक दिन मैंने पापा को प्रसाद के रूप में दी। और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मेरे पिता की शराब भी छूट गई, गलत काम भी छूट गए और मेरे पापा ठीक हो गए। अब ठीक है बेटा, बैठ जाओ। हर हर महादेव। ये शिव कृपा, विश्वास। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, वो भी सुन। पत्र बहुत सारे अभी और भी रखे हैं। सोनम गौतम सेमरी हरचंद से हूं। सोनम गौतम सेमरी हरचंद से कहीं बैठी हैं? सोनम जी गौतम सेमरी हरचंद से जहां बैठी हैं आप ही हैं? दोनों हाथ दिला दो। हर हर महादेव। आपकी कथा का इंतजार रहता है गुरुजी, सुनती हूं। मेरा 8 साल का बेटा है, वो भी शिव जी को जल चढ़ाता है, सूर्यदेव को जल चढ़ाने लगा। फुलेरा दूज का उपाय धतूरे का गठान गलाने के लिए आपने बताया था गुरुदेव। मेरे पेट में एक गांठ थी, डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोला था पर मुझे दवाइयों से एलर्जी होने के कारण हमने ऑपरेशन नहीं कराया। ऑपरेशन भी बड़ा बोला था। फिर आपने जो उपाय बताया था गठान को गलाने के लिए धतूरे वाला, वो उपाय करना फुलेरा दूज का चालू करा और बाबा की कृपा से अब मेरे शरीर में मैंने जांच करवाई, गठान नहीं है और मैं पूर्ण तरह से ठीक हो चुकी हूँ। ये शिव कृपा है। बैठो बैठो। श्री शिवाय नमस्ते। एक बार हाथ हिला दो दोनों। हर हर महा। बैठ जाइए। शिव कृपा किसको कहते हैं? और सुना दूं एक बार। नाम ढूंढ लूं पहले। सुचित्रा परमेश शर्मा उदयपुर जिला, उदयपुरा जिला रायसेन से आए हैं। कहीं बैठी हैं? आप ही हैं? दोनों हाथ दिला दो एक बार। हर हर महादेव। बाबा की कृपा से बेलपत्र का प्रयोग से 12th में अच्छे नंबर से मेरा बेटा पास हो गया, उसके लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।
बाबा मेरी बेटी की इंटर्नशिप के लिए अच्छी कंपनी में नाम नहीं आ रहा था। बेटी बहुत परेशान थी। मैंने उससे कहा तुम चिंता मत करो, बाबा सब अच्छा करेंगे। मैंने 18 चार मतलब 18 चौथा महीना अप्रैल 22 से पशुपति व्रत को प्रारंभ किया। बाबा की कृपा से दूसरे सोमवार को अच्छी कंपनी जो कि भारत में दूसरे नंबर पर आती है उसमें इंटरव्यू के लिए मेरी बेटी का नाम आ गया। तो दो दिन के बाद उसका रिजल्ट आया और मेरी बेटी को उसमें जॉब मिल गया और मेरी बेटी अब जॉब कर रही है। हर हर महा बैठो, एक बार हाथ हिला दो। हर हर बहुत सारे पत्र हैं, अभी और भी रखे हुए हैं, सब पढ़ेंगे तो बहुत सारा टाइम हो जाएगा। कथा पे चलते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अब दिल से उसको पुकार, विश्वास रखकर एक बार अगर उसको पुकारा, एक बार दिल से उसको कहा तो ये निश्चित है सारी समस्या का हल। एक लोटा जल वो पूर्ण समस्या का, और उस पे भरोसा पूरा रखना भाई। सियोर वाले महाराज पे एक रक्ति का भरोसा मत करना रे दादा। एक रक्ति का भरोसा मत करना, क्योंकि पूरी दुनिया पीछे पड़ी है अकेले महाराज के पीछे कि कैसे भी इसको कितना बढ़ रहा है, इसको नीचे पट पट, चाहे बदनामी करो चाहे कुछ भी करो, सारा सारा जमाना का लोग लगा। इसलिए सियोर वाले महाराज पर विश्वास मत करना, पर विश्वास करना तो मेरे देवाधिदेव महादेव पर करना। किसी पर दुनिया के लोग कोई भी चाल चल सकते हैं हमारे साथ में, घबराना नहीं, पर देवाधिदेव महादेव पर भरोसा रखना। एक एक व्यक्ति पीछे पड़ा हुआ है कि कुछ भी करो, साम दाम दंड भेद कुछ भी लगाओ और कैसे भी करके इसको, चाहे कुछ भी कर इसको, इतना कैसे बढ़ रहा है, नीचे नीचे। इसलिए आपको हर बार पता में कहते हैं सियोर वाले महाराज पर भी भरोसा मत करना, भरोसा करना तो मेरे देवाधिदेव महादेव पर करना, जिसके भरोसे पर प्रदीप मिश्रा भी जी रहा, जिसके भरोसे पर जी रहा उस पर भरोसा समझे। बहुत प्रबल विश्वास चाहिए। सनातन धर्म को जो जो आगे बढ़ाने वाले होते हैं उनके पीछे दूसरे नहीं अपने ही पीछे पड़ जाते हैं कि कैसे भी टांग कर करके नीचे गिरा रहा। दूसरे तो बाद में आएंगे, पहले अपनों से निपटना पड़ता। बहुत कठिन है महाराज जी, शिव महापुराण की कथा बात है, बहुत कठिन। कथा सरल है, व्यथा कठिन है। एक बात आप लोगों से कहेंगे, रुद्राक्ष वितरण जो सीहोर में चल रहा है वो रुद्राक्ष वितरण तो चलेगा, पर शनिवार और रविवार ये दो दिन रुद्राक्ष वितरण बंद रहेगा। कारण क्योंकि वहां पर जो फैलारा फैल जाता है, पन्नियां पटक जाते हैं, पॉलिथीन पटक जाते हैं, सामान पटक जाते हैं, उसकी सफाई नहीं हो पाती। तो अब ऐसा नियम लिया गया है कि रुद्राक्ष वितरण जो हो रहा है वो तो होगा, पर शनिवार और रविवार को रुद्राक्ष का वितरण सीहोर में कुबेरेश्वर धाम पर नहीं होगा, क्योंकि दो दिन सफाई होगी। अगर शनिवार रविवार को कोई सीहोर आया तो हम उसको झाड़ू पकड़ाएंगे और हम उसको झोला पकड़ा के सारी पन्नी बिनवाएंगे। तो वहां जितनी भी पन्नी पड़ी हो, सामान पड़ा हो, कचरा पड़ा हो, कुबेरेश्वर धाम में आपको एक एक झोला दे दिया जाएगा, एक एक बोरी दे दी जाएगी। तुम बढ़िया छोटी मोटी करके तैयार होकर भले आओ, पर रुद्राक्ष नहीं मिलेगा, सफाई करना पड़ेगी। गाय का गोबर भी उठाना पड़ेगा, वृद्धाश्रम की भी सफाई करना पड़ेगी, आश्रम की भी सफाई। तो तैयार हो तो दर्शन के लिए आ जाना। मनन पर रुद्राक्ष शनिवार और रविवार दो दिन बंद। शिव कथा कर नर्मदा जी चली, विवाह हो गया,
पति मिल गए, अंधे थे, शरीर में रोग था, उनके साथ में अनसुईया जी ने कहा, बेटा अब तुम मेरे घर में नहीं रह सकती क्योंकि मैंने तुम्हारा कन्यादान कर दिया, तुम अपने पति के साथ जाओ। पति के साथ जा रही थी और हाथ पकड़ के जाते 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 बीच में मांडव ऋषि बैठे हुए थे। चलते चलते मांडव ऋषि को इसके पति का पांव लग जाता। पति का पांव लगा, मांडव बाबा को क्रोध आ गया, श्राप दे दिया। अरे अंधे, देखकर नहीं चल सकता था, मैं तुझे श्राप देता हूँ, कल सुबह का सूर्य तू नहीं देख पाए, ब्रह्म मुहूर्त में तेरे प्राण छूट जाएंगे। नर्मदा हाथ जोड़कर बोली, बाबा मैं अनसुईया की बेटी हूँ, चरण पड़ती हूँ आपके, पति की गलती नहीं मेरी है, मैं दूर से निकल जाती पर मेरा ध्यान नहीं गया, आपको चरण लग गया, बाबा क्षमा कर दो मुझको। बाबा कहने लगे, एक बार श्राप दिया जाता है कोई क्षमा नहीं है, तेरा ये अंधा पति कल सुबह सूर्य उस उगते हुए नहीं देख सकता, ब्रह्म मुहूर्त का सूर्य नहीं देख पाएगा, इसको मरना पड़ेगा।